रिपोर्टर होम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव रसोमा चौराहे पर नाचने वाली ने गलती मान माफी मांगी दिया बयान। कहना चाहूंगी कि अगर किसी को भी इस बात से दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगती हूं, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं लोगों को अवेयर करूं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। उधर भी आप देखें, जब मैं डांस कर रही थी तभी दो लोग आके रोके, पर वो क्रॉस करने वाले थे। मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है कि आप लोगों को वॉक करने का मौका दे जो लोग जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक रेड था, सिग्नल रेड था। पर नहीं, तब रुके जब मैं डांस कर रही थी। तो मेरा वो मकसद था कि आप तब ना रुके कि कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है या कुछ चल रहा है, आप तब रुके जब सिग्नल रेड है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम सब मिलके। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, जनता को करना पड़ेगा। जनता साथ देगी तो ही आगे हिंदुस्तान बढ़ेगा। पर अगर जनता ही साथ नहीं देगी, किसी जान की कीमत ही आप नहीं समझोगे, तो शायद वो सबके लिए गलत है। मेरा जो मैसेज है वो गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है मीडिया वालों की तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा उसे उछाला गया है। मैं मानती हूँ, मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है मेरे किसी भी एक्शन की वजह से। वो एक्शन गलत था, मैं नहीं चाहती कोई रिपीट करे। केस अगर दर्ज मुझ पे हुआ है तो मैं जो भी केस के अंदर चीज़ें होंगी मैं उनके लिए कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ, पुलिस वालों के साथ, पुलिस अधिकारी के साथ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात की, क्योंकि मेरा एक्शन गलत था इसलिए मुझ पे केस हुआ है। तो जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर मैं उनके साथ सहयोग करने के लिए। आपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रही कि हमने गलती की है? हाँ जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि गलती मुझसे हुई है। मेरी भावनाएँ ठीक थी, पर प्लीज़ इसको फॉलो ना करें, इससे इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ रिपीट ना करें, और मैं भी ना नहीं करूँगी। पर मैं जितने भी आगे कैंपेन्स होंगे पुलिस अधिकारियों के साथ साथ देने के लिए रेडी हूँ, और मैं जितना हो सके अपने पार्ट थ्रू अपनी जनता को अवेयर करने की कोशिश करूँ। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ पहनना है मास्क। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।